आज मैं आपको एक गरीब पिता और उसकी बेटी की कहानी सुनाते हैं। एक बार वह गरीब व्यक्ति अपनी बेटी को उसके स्कूल से लेकर शहर के एक महंगे होटल में पहुंचा। उस व्यक्ति ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसकी बेटी स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी। जब दोनों होटल के अंदर पहुंचे तो वेटर पूछा, सर आप क्या खाना पसंद करेंगे, आप अपना ऑर्डर बता दीजिए। वेटर ने कहा, सर आप कुछ नहीं लेंगे, आपके लिए भी कुछ लेकर आऊं? तो गरीब व्यक्ति ने कहा, मेरे लिए कुछ नहीं, आज मेरी बेटी के लिए पार्टी है। मैंने इससे वादा किया था कि अगर तुम इस जिले में 10th क्लास में टॉप करोगी तो तुम्हें मैं सबसे महंगे होटल में पार्टी दूंगा, तो आप सिर्फ बच्चे के लिए पाव भाजी ले आइए। होटल के मालिक ने जब यह बात सुनी तो मुस्कुराते हुए बोला, तुम उसके पिता के लिए भी पाव भाजी लेकर जाओ, उसके लिए भी लेकर जाओ, पैसे मत लेना, 4 से 5 पाव भाजी पैक करवा कर ले जाओ और 2 से 3 किलो मिठाई भी लेकर जाओ, और उनसे कहना ये पार्टी होटल की तरफ से है, आप ये मिठाई ले जाइए और जश्न मनाइए। पिता और बेटी खुश हो गए और चले गए। कई साल बीत गए और उस गरीब पिता की लड़की अब UPSC की तैयारी करके कलेक्टर बन चुकी थी और इत्तेफाक से उसी शहर में उसकी पोस्टिंग हुई थी। उस लड़की ने उस होटल में सूचना पहुंचा दी कि मैं उस होटल में लंच करने के लिए आ रही हूं। होटल के मालिक ने जब यह सुना तो होटल को पूरी तरह से सजवा दिया। गांव में यह बात पूरी तरह से फैल गई और कस्बे के सभी लोग उन्हें देखने के लिए आने लगे। कलेक्टर अपने पिता के साथ उस होटल में पहुंची। कलेक्टर ने होटल के मालिक से कहा कि शायद आप मुझे पहचाने नहीं, हम वही पिता पुत्री हैं जो कि हमारे 10th क्लास टॉप करने पर आपने मुझे पार्टी दी थी। हम वही पिता पुत्री हैं, आज फिर से आए हैं और आज पार्टी हम देंगे आपको, आपके पूरे स्टाफ को और पूरे गांव को, क्योंकि आपने गरीबी का सम्मान किया है। आपने उस दिन जो पार्टी दी थी मुझे बताया कि मुझे कितनी और ऊंचाई तक पहुंचना है, कितनी और बड़ी मंजिल को छूना है। आपने एक नई प्रेरणा दी थी और आज मैं उसी प्रेरणा का एहसान चुकाने के लिए आई हूँ। वो मैडम ये सब कहते जा रही थी और आंखों से आंसू बहती जा रही थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, हो सके तो उसकी मदद करना, और अगर मदद ना कर सको तो उसका मजाक मत उड़ाना, क्योंकि वो सब देख रहा है। बनना है तो उसकी नजर में अच्छा बनिए, जहां भी रहिए कर दिखाइए, कुछ ऐसा कि दुनिया करनी चाहे आपके जैसा।